मोहंद्रा वन परिक्षेत्र कार्यालय परिसर में रविवार दोपहर आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कार्यक्रम को बढ़ाने के उद्देश्य से पौधारोपित किए गए। स्वतंत्रता के 75वें स्मरणोत्सव कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हुए विधायक प्रहलाद लोधी ने पौधारोपण में अपनी सहभागिता निभाई। नगर के ग्रामीणों व भाजपा कार्यकर्ताओं और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कार्यालय परिसर में करीब 75 फलदार एवं पुष्प प्रजाति के पौधे लगाए गए। विधायक पवई द्वारा कार्यक्रम के दौरान कहा कि सेवा और समर्पण के रूप में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पौधारोपण का यह कार्यक्रम भी पर्यावरण बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो सराहनीय है और ऐसे कार्यक्रम की पहल सतत होनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उप वन मंडलाधिकारी डॉक्टर कल्पना तिवारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी कृष्णम प्यासी, मोहंद्रा चौकी प्रभारी प्रियंका पटेल आदि मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस पर 17 तारीख से लगातार कहीं वृक्षारोपण के माध्यम से, कहीं उज्ज्वला योजना के माध्यम से, कहीं विकलांगों को ट्राई साइकिलों के माध्यम से, कहीं फल वितरण के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से उनके जन्म दिवस के बहाने पर्यावरण को का संतुलन बनाने के लिए एक कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। यह कार्यक्रम कहाँ तक सफल रहेगा सर? देखिए, ये कार्यक्रम बिल्कुल पूरा सफल रहेगा, क्योंकि वृक्ष हैं, वृक्षों की छाया की भी जरूरत है हमें, पर्यावरण की भी जरूरत है, ऑक्सीजन की भी जरूरत है, लगातार सफल रहे। आपके माध्यम से और देशवासियों के लिए क्या संदेश है कि पर्यावरण को संतुलित अच्छा बनाया जाए? हम आप ग्राम के लोग सब लोग जानते हैं कि यदि पर्यावरण का संतुलन नहीं रहा तो आज हम आप भी इस प्रकार से खड़े नहीं हो सकते। आज ये जो कार्यक्रम आयोजित कहाँ किया गया है? ये आज कार्यक्रम ग्राम पंचायत मोहंद्रा वन परिक्षेत्र मोहंद्रा में एक कार्यक्रम रखा गया है। धन्यवाद। दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रमों की श्रृंखला का घोषणा की थी। उसी कार्यक्रमों की श्रृंखला की एक कड़ी है कि 75 वर्ष की याद में 75 पौधे हर परिसर में लगाए जाएं, इसीलिए हमने 75 पौधे लगाए। किस वन परिक्षेत्र के अंतर्गत किए? यह वन परिक्षेत्र मोहंद्रा अंतर्गत आता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सिमरिया से ब्यूरो रिपोर्ट।